ले दे के उनको एक लगता है कि नीट एग्जाम अगर मैंने क्लियर नहीं करा तो अगर आप चाहें तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकल एडुटेक। मायसेल्फ अमित कुमार, सीनियर स्क्रब नर्स एज अ न्यूरो हॉस्पिटल, है ना। ये तो टट्टी। तो गाइस, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। लोगों को बहुत ज्यादा डिल्यूजन होता है, कंफ्यूजन होता है कि अगर हम मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, है ना। मेडिकल फील्ड में 14-15 लाख बच्चे नीट के एग्जाम देते हैं, उसमें से बहुत सारे बच्चे इस टाइप का थिंकिंग रखते हैं। इन मेडिकल फील्ड बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत सारे सेक्टर्स में जैसे कि फर्स्ट लाइन पे आते हैं डॉक्टर्स आते हैं, फिर आते हैं नर्सिंग स्टाफ्स आते हैं, फिर आते हैं सपोर्टिंग स्टाफ एज अ पैरामेडिक्स आते हैं। तो बेसिकली यही चीज होते हैं मेडिकल सेक्टर में। नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ है या फिर नहीं कर पा रहे हैं, उतना कैपेसिटी नहीं है, उतना आप कंपिटिटिव एग्जाम को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कि आप मेडिकल सेक्टर में नहीं जा सकते। बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज हैं मेडिकल सेक्टर में जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और एज अ पार्ट बन सकते हैं मेडिकल सेक्टर का, है ना। डॉक्टर बनना ही सिर्फ मेडिकल का पार्ट नहीं है कि आप डॉक्टर नहीं बने तो आप मेडिकल से बाहर हो चुके हैं। तो फर्स्ट क्या होता है, नीट का एग्जाम हम नीट से लेते हैं कि क्या होता है। नीट का एग्जाम जो क्वालिफाई कर जाते हैं या फिर क्रैक कर जाते हैं उनको मिलता है MBBS का सीट। तो उनका एडमिशन होता है गवर्नमेंट में MBBS में, है ना, या फिर प्राइवेट में अगर पैसे वाले हैं तो प्राइवेट में MBBS का सीट मिलता है। बहुत पैसा है अपने पास तो MBBS का जो सीट होता है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है नीट के एग्जाम वालों का। फिर अगर MBBS नहीं मिला तो फिर वो सिलेक्ट करते हैं BDS, डेंटल बैचलर इन डेंटल साइंस। वो नहीं मिला तो फिर वो आयुर्वेदा और होम्योपैथी की तरफ बढ़ते हैं, यूनानी की तरफ बढ़ते हैं, ताकि सेम सेक्टर में एज अ डॉक्टर वो वर्क कर सके। फिर उसके बाद जो आता है वो होता है नर्सिंग। नर्सिंग में बहुत अच्छा कैरियर होता है नर्सिंग, BSc नर्सिंग, GNM आता है जो डिप्लोमा लेवल का होता है, बैचलर लेवल का होता है BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, PhD तक होता है। तो BSc नर्सिंग करके आप एज अ नर्स वर्क कर सकते हैं हॉस्पिटल सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में, और आपका बहुत वाइटल रोल रहता है एज कम्पेयर टू डॉक्टर, है ना। दोनों मिलकर कोऑर्डिनेट करके काम करना पड़ता है तभी जाके ये सेक्टर चलता है। तो नर्सिंग हो गया, नर्सिंग के बाद आप या तो डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल में वर्क करें या फिर किसी इंडिविजुअल जगह पर वर्क करें या फिर आप ट्यूटर बन जाए। फिर उसके बाद आता है पैरामेडिक्स। पैरामेडिक्स में आते हैं रेडियो टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, ये सब आते हैं, फार्मेसी वाले आते हैं। तो ये सब जो होता है पैरामेडिक्स में आते हैं तो ये सपोर्ट करते हैं, जैसे OT टेक्नीशियन OT के अंदर रह के देखभाल करते हैं, OT में असिस्ट करते हैं टेक्नीशियन के तौर पे, एनेस्थीसिया साइड रहते हैं। फार्मेसी वाले बी फार्मा या डी फार्मा करके फार्मेसी को हैंडल करते हैं जो कि हॉस्पिटल को सप्लाई करता है फार्मेसी। फिर उसके बाद रेडियो टेक्नीशियन होते हैं यानी कि एक्सरे टेक्नीशियन जिसको बोलते हैं, वो MRI, CT स्कैन और एक्सरे वगैरह को हैंडल करते हैं। लैब टेक्नीशियन जो कि ब्लड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं यानी कि टैकल करते हैं और फाइंडिंग करते हैं, उसको लैब टेक्नीशियन कहते हैं। लेबोरेटरी में रहते हैं वो, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करते हैं। तो ये कुल मिला के एक बॉडी है, स्ट्रक्चर है, उन स्ट्रक्चर में ये सब जाके इकट्ठे वर्क करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका नीट एग्जाम नहीं हो रहा है तो आपके पास कैरियर खत्म है। आप कैरियर के रूप में कुछ भी चूज कर सकते हैं जो आपके चॉइस के अनुसार है, आपके इंटरेस्ट के अनुसार है, है ना। बहुत सारा चीज है जो आपको नहीं पता रहता है। होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, और भी आपको जिस कैरियर के बारे में जानना है कमेंट में बताएं, मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाऊंगा, आप तक पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और कुछ भी करें इंटरेस्ट वाले फील्ड में करें, जबरदस्ती का कुछ नहीं करने का है, कैरियर हमेशा इंटरेस्ट के साथ बढ़ा है।